ऐसे में समझ के बाहर ये हो गया कि भिवंडी शहर के लोगों को तो यहीं रहना है, मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो साल दो साल भिवंडी शहर में ड्यूटी करके माल बटोर के अपने घर या गांव या दूसरी जगह बदली हो जाती चले जाते हैं, तो बेहाल परेशान हाल इस शहर को किसके हवाले छोड़ जाते भिवंडी शहर के नागरिक ये सवाल करते हैं। आइए आज बात करते हैं भिवंडी शहर और भिवंडी शहर से लगकर तालुका क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं या मादक पदार्थ यानी नशे का जो सामान बिक रहा है उसकी। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन की हद है, और अगर 2 मीटर उस तरफ हो जाऊँ तो ज़ोन 2 यानी भिवंडी शहर शुरू हो जाता है। भिवंडी शहर में 1 पुलिस उपायुक्त, 2 ACP और 6 पुलिस स्टेशन आता है, भोईवाड़ा, कुम्भारवाड़ा, निज़ामपुरा, नारपोली, शांतिनगर और कोंडगांव। इतना पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भिवंडी शहर में नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पिछले सप्ताह एक घटना ऐसी घटी कि एक गांजा बेचने वाले को जब पुलिस वाले पकड़ने के लिए गए तो उसने अपने हाथ में चाकू ले लिया और लहराने लगा। यानी नशे का कारोबार अब भिवंडी शहर में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो गांजे का कारोबार करने वाले वो पुलिस को भी आँख दिखाने लगे हैं, और कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के नागरिकों का जो प्रयास था वो विफल हुआ है। नशे का कारोबार भिवंडी शहर में बढ़ा है, उसी का नतीजा अब भिवंडी शहर के लोगों को चैन स्नैचिंग। पिछले सप्ताह एक ही घटना है, बागे फिरदौस मस्जिद के पास रोड पर से ही एक औरत का चैन छीन लिया गया। ये हुआ भिवंडी शहर में। मोटरसाइकिल चोरी, ऑटो रिक्शा चोरी, ट्रक चोरी, गले का मंगलसूत्र चोरी, मोबाइल छीन कर भाग जाना, घर फोड़ी, इस तरह की जो घटनाएं हैं कम नहीं हुई है। भले ही पुलिस उपायुक्त की बदली होती रही हो, सीनियर PI जो है पुलिस स्टेशन के उनकी बदली होती रही हो, मगर भिवंडी शहर में ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल पुलिस अपने स्तर पर काम तो करती है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चोर आगे आगे और पुलिस मांगे मांगे, ये हालत है भिवंडी शहर की। साथ ही भिवंडी शहर में अगर देखा जाए, हुक्का पार्लर, रात में 24 घंटा चलाए जाने वाले होटल दिन रात चलते हैं, इस तरह के ऐसे कई संस्थान मौजूद हैं जो 24 घंटा चालू होने के कारण पुलिस भी उन होटलों पर बैठे हुए, उन हुक्का पार्लर में बैठे हुए छीनने वाले लुटेरे गंजेड़ी इन लोगों को पकड़ नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ठिकानों पर पुलिस का शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे कि भिवंडी में ड्यूटी करने वाले जो भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, साल या 2 साल या 3 साल भिवंडी में ड्यूटी करते हैं, फिर उनकी बदली हो जाती है, मगर भुगतना इस शहर को पड़ रहा है, इस शहर के लोगों को पड़ रहा है, इस शहर के नागरिकों को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर भिवंडी पुलिस समय से मैदान में नहीं आती है तो इस तरह के नशेड़ियों गजेड़ियों या नशे का कारोबार करने वाले या गांजे का, अफीम का, चरस का, जो भी है कारोबार इस तरह का, बटन का, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भिवंडी शहर के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। अब ऊपर से बात करते हैं भिवंडी शहर की। भिवंडी शहर में लाट माफिया का आतंक है। लाट माफिया में डेट एक्सपायर सामान बेचने वाले वो मुसलमान, गांजा चरस का कारोबार करने वाले या बटन गोली इस तरह का जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो मुसलमान, ऑटो रिक्शा की लाइन में नल्ला रिक्शा यानी बिना कागज़ पत्र के रिक्शे चलाने वाले वो मुसलमान। समझ में नहीं आ रहा है कि भिवंडी शहर में ये हो क्या रहा है और किसी को कानून का खौफ। आइए अब बात करते हैं इस तरफ की। अभी तक आप देख रहे थे भिवंडी शहर की कहानी, और अब भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन के हद में हम खड़े हैं। अब यहाँ की बात करते हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ से तालुका पुलिस स्टेशन के हद में 1-2 नहीं तकरीबन 3 दर्जन ढाबे मौजूद हैं, और इन ढाबों पर लोगों को खाना मिलता है। मुंबई से आने वाले, ठाणा से आने वाले, भिवंडी के लोगों को भी थोड़ा सा टाइम पास के लिए लोग ढाबे पर बैठते हैं और खाना खाते हैं, झूला झूलते हैं बच्चे। बहरहाल यहाँ तक तो ठीक है। तकरीबन सभी ढाबों पर अवैध ढंग से हुक्का पार्लर का कारोबार जोरों से चलता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हुक्का पार्लर हैं जहाँ इस तरह का अवैध हुक्का पार्लर का धंधा जोरों में चल रहा है। यहाँ की भी घटना अगर माने तो पिछले सप्ताह एक ऐसा व्यक्ति जिसे RTI कार्यकर्ता कहा जाता है, एक हुक्का पार्लर के लोगों ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि उनको फ्रैक्चर हो गया। तो ये हालत है। कहने का मतलब, चाहे तालुका पुलिस स्टेशन हो,
या तो, और तालुका पुलिस स्टेशन की खास बात यह है कि इनका जो लैंडलाइन नंबर है 51250 वो तो लगता ही नहीं है। रात में भी मैं और मेरे साथियों ने ट्राई किया, एक मामला हुआ था आनगांव का, उसमें इनका फ़ोन ही नहीं लगता। बहरहाल अगर कंट्रोल रूम में कोई फ़ोन करता है, चाहे बीओडी कंट्रोल हो या थाना कंट्रोल हो ग्रामीण का, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि कंट्रोल से फ़ोन पुलिस स्टेशनों को आता है, मगर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे में समझ के बाहर ये हो गया कि भिवंडी शहर के लोगों को तो यहीं रहना है, मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो साल दो साल भिवंडी शहर में ड्यूटी करके माल बटोर के अपने घर या गांव या दूसरी जगह बदली हो जाती चले जाते हैं, तो बेहाल परेशान हाल इस शहर को किसके हवाले छोड़ जाते हैं, भिवंडी शहर के नागरिक ये सवाल करते हैं। मैं सलमान मेमन के साथ खान पर।